दोना सी हूँ अभी छोटा सा। ये देखिए गाइस, हम लोग इतना सारा दोना सिल लिए हैं। कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं बहुत अच्छी हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस ये देखिए, आज हम लोग जंगल जा रहे हैं, दादी के साथ मैं जा रही हूँ। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं जंगल जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। नहीं तो फिर कहाँ, मैं जंगल कभी नहीं आई हूँ। आज हम लोग जंगल जा रहे हैं, आज मैं जंगल में घूमूँगी पूरा। सो गाइस आप लोग बने रहिए, आज मैं आपको अपना जंगल का शेयर कराने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, तो कंटिन्यू। कि गाइस ये मेरी दादी है, हम लोग दो ही लोग आए हैं मेरी दादी के साथ में। ये आगे आगे मेरी दादी चल रही हैं। गाइस ये देखिए हम लोग का, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और ये देखिए गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जंगल में, और दादी उधर सरई का पत्ता तोड़ना स्टार्ट भी कर दिए हैं। हम लोग यहाँ पे सरई पत्ता और दातवन लेने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए गाइस, मैं भी अब तोड़ती हूँ सरई का पत्ता, देखते हैं कहाँ पे है। अच्छा अच्छा वहीं पे मैं तोड़ूंगी। ये देखिए गाइस, ये है सरई का पेड़ जिसको साल वृक्ष भी बोला जाता है। तो मैं अब इसका पत्ती तोड़ लेती हूँ। अच्छा अच्छा तोड़ी हूँ पत्ती, और इधर झोला में भी तोड़ी हूँ। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा छांट छांट के तोड़ना पड़ रहा है। बाकी ये देखिए, ये है करौंदा का पेड़। ये देखिए ऐसा होता है करौंदा का पेड़। मैं बहुत छोटी थी, बचपन में ही आई थी एक बार, हम लोग जीत करके लाए थे दादी को खाने के लिए। तो ये है करौंदा, अभी मैं करौंदा नहीं पकता है ना दादी, कब पकता है करौंदा? हाँ अभी ठंडी समय पकता है करौंदा, तो जब पकेगा तब आएंगे खाने के लिए। ये है करौंदा का पेड़, बाकी यहाँ बहुत सारा करौंदा का पेड़ है। ये देखिए उधर भी है, ये वाला भी है, और ये देखिए गाइस फलना स्टार्ट हो गया है करौंदा, ये देखिए। सॉरी करौंदा नहीं है। तो ये देखिए गाइस, ये है करौंदा का पेड़, ये देखिए, और वो वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये है मकोर का, ये भी अच्छा लगता है, मस्त खट्टा मीठा खाने में। ये मकोर का पौधा है, और ये है करौंदा का। बहुत देख देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि आज सुबह बारिश हो रहा था। चलिए गाइस अब फटाफट हम लोग तोड़ लेते हैं, फिर जल्दी से घर जाएंगे। देखिए अब इसमें से मैं पत्ती तोड़ूंगी। और ये देखिए इधर दादी तोड़ रही हैं। उतना सा तोड़ी है। पत्ते ही तोड़ लिए हैं, और ये रहा मैं दातवन भी तोड़ ली हूँ, और बाकी थोड़ा मोड़ा और तोड़ेंगे। और ये देखिए गाइस, मेरे को जंगल में एक वुड दिखा, और ये देखिए यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, आप लोग को दिखा रही हूँ।
ये देखिए गाइस कितना मस्त बड़ा सा यहाँ पे बांध बना है, और ये देखिए इसमें पानी भी भरा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले बना है शायद लगता है। और ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा पानी है, ये जंगल के बीच में है। ये देखिए देखिए गाइस कितना ज़्यादा पानी भरा है, ये देखिए। और ये रहा हमारा जंगल का रिव्यू, ये देख सकते हैं आजकल मस्त पूरा हरा भरा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि पूरा तोड़ लिए हैं तो अब हम लोग जाएंगे घर। ये हम लोग एक झोला इसमें तोड़ लिए हैं पतई, और अब घर जा रहे हैं। सो गाइस आप लोग को मैं बता दूँगा, आज हम लोग हमारे तरफ आज जियोतिया का चाय जुगाने वाले हैं, तो फिर उसी के लिए हम लोग आज पतई तोड़ने आए हैं। फिर अभी घर में जा कर के हम लोग चाय जुगाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग हम लोग किस तरीके से चाय जुगाते हैं। किसी किसी के यहाँ ऐसे ही रहते हैं जीवतिया, मतलब बिना जाई का, बट हमारे तरफ जाई जोगा करके पूरा अच्छे से रहते हैं। तो अभी हम लोग घर में जा करके जाई जोगाएंगे ये वाला पत्ता इसे। सबके यहाँ अपना अपना एक अलग रीति रिवाज है, तो हमारे यहाँ भी हम लोग अपने गांव के तरीके से करेंगे। मेरी दादी आगे आगे चल रही है, छाता भी पकड़ के आई थी, सोची बारिश होगा, लेकिन बारिश तो नहीं हुआ क्योंकि सुबह बारिश हो रहा था। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, अभी सुबह का 9 बज रहे हैं। देखिए मैं जंगल से आ गई हूँ, और ये देखिए हम लोग इतना सारा पत्ते ही तोड़े हैं, देखिए दिख रहा होगा इतना सारा पत्ते ही तोड़े हैं, और इसमें बालू हम लोग धो करके रखे हैं, इसी से हम लोग जाए अभी गोदेंगे। तो आप लोग देखते रहिए किस तरीके से हम लोग हमारे गांव में जाई जुगाते हैं। दोना सी हूँ अभी, छोटा सा दोना सी हूँ, मेरे को नहीं आता है दोना सीने के लिए, तो मम्मी बताई है तो उसी टाइप से मैं सी हूँ। ये देखिए यही वाला पत्ते का, वैसे ही अभी बहुत सारा सिलना है, सी रही हूँ मैं। सुगाए जी देखिए इतना सारा दोना सिला गया है, और इधर दादी सिल भी रही है। तो अब मैं दोना ले लेती हूँ, और इसमें मैं बालू डालूँगी हल्का सा, देखिए बालू डाल रही हूँ। फिर बालू डालने के बाद में फिर उसमें जावा डालूँगी, देख सकते हैं ये है जावा, जावा डालेंगे। फिर जवा डालने के बाद में फिर से बालू से ढक देंगे, फिर से बालू डालेंगे, ऐसे करके तीन तह हम लोग किए। इस तरीके से हमारे यहाँ जाई जुगाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से जाई जुगा ले रही हूँ, मेरे को नहीं आ रहा था, दादी इधर से बता रही थी मेरे को।
ये देखिए फाइनली हम लोग इसमें कर लिए हैं पूरा, ये देखिए जवा और इधर बालू, इसको हम लोग डाल लिए हैं। अब इसको रख देते हैं, फिर जिस दिन जियोतिया होगा उस दिन निकालेंगे। हमें रख दी हूँ इसको, हम लोग जिस दिन जियोतिया होगा उस दिन हम लोग शाम को निकालेंगे, जय जोगा रहे हैं। तो फिर इसको संडे को इसको निकालेंगे। लोग जियोतिया के लिए जय जोगा रहे हैं आज, और इसको हम लोग संडे को यानी उस दिन 18 तारीख होगा, 18 तारीख को इसका हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। हमारी तरफ जाए जुगा करके जीव पुत्री का जो व्रत होता है उसको रखते हैं। तो आज से हमारे यहाँ स्टार्ट है, इसमें हम लोग रोज़ डेली सुबह नहा धोवा करके इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे ताकि जाए जो है वो पूरा अच्छे से उगाए। तो आज जो है जाए जुगा रहे हैं। सुगा मेरे चैनल में अगर न्यू है और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कर लें, ताकि मेरे सभी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। सो गाइस आप लोग को मैं और भी जीवितिया में हमारे तरफ किस तरीके से जीव पुत्रिका का व्रत होता है, किस तरीके से जीव पुत्रिका का कथा सुनाया जाता है, सब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।